प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे द विंड एंड द सन के बारे में जो हमारा लेसन है ये करेंगे आज हम, ठीक है। तो इसमें द विंड एंड द सन, द विंड क्या होता है? हवा। विंड को क्या बोलते हैं? और जो सन है, सन को सूरज। तो इसमें क्या है इस चैप्टर के अंदर कि विंड और सन के बीच में बैटल लग गई, बैट मतलब शर्त लग गई दोनों के बीच में कि कौन हमें ज़्यादा स्ट्रोंगर है, एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल कौन है, शक्तिशाली कौन है। और फिर वो बैट लग गई और उसमें एक जो बैट लगने के बाद उसमें उस बैट का जो शिकार हुआ ये आदमी हुआ। इस आदमी के साथ फिर दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया कि इस तरीके से। तो चलिए इस चैप्टर में हम वो चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी चैप्टर द विंड। तो यहाँ से हमारा चैप्टर है जो विंड, हवा। हवा बोलती है। तो थोड़ा अबाउट द लेसन ये भी देख लीजिए, दिस लेसन इज अबाउट द विंड एंड द सन। ये लेसन किसके बारे में है? विंड के बारे में और सन के बारे में, सूरज के बारे में और हवा के बारे में है। इन दिस लेसन, इस लेसन में बोथ, बोथ होता है दोनों, क्वेल, क्वेल मतलब झगड़ा करते हैं दोनों, क्या करते हैं? झगड़ा, झगड़ा। ये अपना डिक्टेशन लिख लेना आप। ये झगड़ा करते हैं अबाउट हु इज स्ट्रोंगर, अबाउट मैंने के बारे में कि कौन हम में ज़्यादा स्ट्रोंगर है। स्ट्रोंगर मतलब कि जो शक्तिशाली कौन है, मजबूत कौन है, अबाउट के बारे में। तो दोनों इस बात के बारे में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि उन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो विंड, विंड कहती है सन कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो, कैन सकते हो, यू सी तुम देख सकते हो, दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड की आदमी है जो वॉकिंग डाउन चल रहा है, डाउन द रोड, रोड के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। अब भी बोल सकते हो बीच में, कोई ऐसी बात नहीं बेटा। आई कैन गेट हिज कोट, आई कैन गेट, मैं, आई मीन्स मैं, कैन गेट प्राप्त कर सकता हूँ, हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन, मैं उसके कोट को जल्दी उतरवा सकता हूँ, देन यू कैन तुम्हारी से पहले, देन की बजाय यू कैन, जितना तुम कर सकते हो ना मैं उस कोट को उतरवा सकता, टू प्रूव दैट, ये चीज बात साबित करने के लिए, प्रूव मैंने साबित करना, क्या होता है बेटा, साबित, साबित करना, समझते हो ना, ये चीज़ है जो मैं साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए, प्रूव क्या होता है, साबित, इस चीज़ को साबित करने के लिए, दैट आई एम स्ट्रोंगर कि मैं ज़्यादा मजबूत हूँ, ये बात मैं साबित करने के लिए क्या कर सकता हूँ, That I am stronger than you, कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। तो विंड और सन में जो शर्त लग जाती है, और विंड बोलती है सूरज को, सन को, कि क्या तुम उस चलते हुए जो आदमी सड़क के ऊपर जा रहा है, ये आदमी जा रहा है, क्या इस आदमी की तुम कपड़े उतरवा सकते हो, उसके कोट को उतरवा सकते हो तुम? तो वो कहते हैं आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन, और मैं ना इसके कोट को तुमसे भी ज़्यादा जल्दी उतरवा सकती हूँ। हवा ने कहा, किसको कहा हवा ने ये बात, विंड ने किसको बोली ये बात, सन को, सन को। हवा किसको बोलते हैं इंग्लिश में, विंड, और सूरज को क्या बोलते हैं, सन। तो दोनों में वह शर्त लगी, तो इसने कहा कि आई कैन गेट हिज कोट ऑफ, ऑफ मैंने उतारना, मैं उसके कोट को उतार सकता हूँ, मोर क्विकली ज़्यादा जल्दी से, देन यू कैन तुम जितना कर सकते हो, टू प्रूव दैट आई एम स्ट्रोंग, ये बात साबित करने के लिए कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इस बात पे फिर सूरज ने क्या किया, मुस्कुराया पड़ा वो, क्या किया सूरज ने, मुस्कुराया, सन स्माइलिंग, सूरज मुस्कुराने लगा, मुस्कुराते हुए बोला, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, दैट इज गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी बात है, यू ट्राई फर्स्ट, पहले तुम ट्राई करके देख लो, अगर ऐसा होता है तो पहले तुम दिखाओ भाई कौन उतार उतरवाएगा। तो सन ने किसको बोली ये बात, विंड को, कि तुम उतरवा के दिखाओ इसके कपड़ों को, इसके कोट को। तो ठीक है, पहले
विंड की बारी आ गई कि देखें भाई कौन पहले थ्रो आए, पुफिंग उसकी तरफ, पुफिंग मतलब घृणा की, पुफिंग क्या होता है घृणा, पुफिंग क्या होता है बेटा घृणा, मैं लिख देता हूँ घृणा, घ री अणा घृणा, तिरस्कार, तिरस्कार की नजर से उसकी तरफ देखते हुए, हिज चिक्स ब्लोइंग हार्ड विद ए फ्राउन, और उसके गाल किसके, हवा के जो गाल हैं, एंड ब्लोइंग हार्ड, और वो बड़ी जोर जोर से बहने लगे अपने मुंह से, अपने गालों से, विद ए फ्राउन, फ्राउन का मतलब माथे पे जैसे त्योड़िया पड़ जाती है ना, माथे पे मस्तिष्क पे जुरिया पड़ जाती है, उसको फ्रान बोलते हैं। तो उसने त्योड़िया चढ़ा के बहुत जोरों से हुश हुश ऐसी आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, हुश, और जोर जोर से ऐसी आवाज़ करती हुई हवा बहने लगी भाई, फिर जोर जोर से। तो फिर मैन ने क्या किया, मैन ने क्या किया, हाउ स्ट्रोंग द विंड इज टूडे, हाउ कितनी स्ट्रोंग ताकतवर द विंड हवा इज टूडे है, टुडे आज कितनी ताकतवर हवा है भाई, आज कितनी जोरों से हवा बह रही है। वो आदमी सोचने लगा, इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, इट इज ब्लोइंग, ब्लोइंग मतलब उड़ा रही है, ब्लोइंग क्या होता है बेटा उड़ा रही है, उड़ाना, ब्लो मीन्स उड़ाना, पता है ना आपको इसका, ब्लोइंग क्या होता है उड़ाना, ये ब्लोइंग सर्कल है, इनको डिक्टेशन कर लेना आप, वर्ड मीनिंग लिख लेना, ठीक है। इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, ये मेरे कोट को उड़ा रही है हवा, किसको, अवे मतलब अवे क्या होता है दूर, दूर यानी मेरे कोट को उड़ा रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली, आई मुझे मस्ट जरूरी, मस्ट क्या होता है जरूरी रूप से, मुझे जरूरी से होल्ड पकड़ देना चाहिए, होल्ड मीन्स क्या होता है बेटा पकड़ना, होल्ड मीन्स पकड़ना, तो मुझे हाँ सेंटेंस बनाया हमने, तो होल्ड हमें इसको टाइटली होल्ड कर लेना चाहिए, टाइटली मतलब कसकर पकड़ लेना चाहिए। अराउंड माई सेल्फ, अपने चारों, चारों क्या करना चाहिए मुझे, इसको टाइटली होल्ड कर लेना चाहिए। हाउ स्ट्रोंग द विंड इज टूडे, आज हवा कितनी स्ट्रोंग है, ठीक है ना, हाउ स्ट्रोंग, स्ट्रोंग मतलब हाँ कितनी जोर से हवा बह रही है। इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, ये मेरे कोट को बहाकर ले जा रही है अवे, मैंने दूर यानी मेरे कोट को भी दूर कर रही है मेरे से, अवे मतलब क्या होते हैं बेटे, अवे क्या होते हैं दूर, अवे क्या होते हैं दूर, दूर दै उरे, दूर अवे, तो ये मेरे कोट को भी मेरे से दूर लेकर जा रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली, मुझे इसको टाइटली पकड़ देना चाहिए, कैसे पकड़ देना चाहिए टाइटली, होल्ड मीन्स पकड़ना, होल्ड क्या होता है पकड़ना, पैक है एड़ा है पकड़ना, मुझे इसे मजबूती से पकड़ लेना चाहिए टाइटली मजबूती से। अराउंड माई सेल्फ, अराउंड मतलब चारों ओर, अपने शरीर के चारों ओर मुझे इसको टाइटली पकड़ लेना चाहिए। फिर इसमें He holds, वो पकड़ देता है his coat, अपने coat को, and wraps, और इसको लपेट लेता है, wrap मतलब लपेट लेता है, around himself अपने चारों ओर, very tightly, बड़ी मजबूती से, tightly क्या होता है बेटे, wraps क्या होता है लपेटना, वो अपने उसको लपेट लेता है चारों ओर, ठीक है। फिर इसमें विंड, विंड विंड आती है, ब्लोइंग हार्डर, जोर जोर से बहती है, विद ए फ्रान, चोड़िया चढ़ा के पूरी जैसे ऐसे आवाज आती है हवा की तेजी से, और फिर ऐसे बहती है हवा। फिर मैन, मैन क्या करता है यहाँ पे, फिर दोबारा से मैन, पुलिंग हिज कोट, अपने कोट को खींच लेता है, पुलिंग क्या होता है खींचना, खै अपने कोट को वो खींच लेता है आदमी, मोर टाइटली, और ज्यादा टाइट तरीके से, हाउ कोल्ड इट इज, और ये कितनी ठंडी है, वो बोलता है कि कितनी ठंडी है विंड, सन आई गिव, विंड बोलती है, फिर मैंने देखा विंड ने भी जितने भी वो तेजी से बह रही थी, जितनी भी जोर से बह रही थी, तो उस आदमी ने क्या किया, अपने कोट को
पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया, ठीक है, वो उतार ही नहीं रहा था। और फिर विंड थक गई इसकी बात को देख के, इसने तो बड़ी मजबूती से पकड़ लिया, मैंने तो जोर जोर से बहती हूँ, जितना ही अपने कोट को मजबूती से पकड़ देते हैं। तो विंड फिर क्या करती है, सन को बोलती है, विंड आई गिव अप। गिव अप क्या होता है, हार मान, मैंने हार मान ली है, मैंने छोड़ दिया, आई गिव अप छोड़ देना या हार मानना। तो यहाँ पे गिव अप क्या करेंगे, छोड़ देना, फिर मैं तो छोड़ देती हूँ इस आदमी को, ठीक है, और तुम देखो छोड़ देना, अब तुम्हारी बारी है। मतलब आई कैनोट गेट हिज कोट ऑफ, आई मैं कैनोट नहीं कर सकी, आई कैनोट मैं नहीं कर सकी, गेट प्राप्त करना, हिज कोट उसके कोट को, ऑफ मैं उसके कोट को नहीं उतरवा सकी, आई कैनोट गेट ऑफ हिज कोट, मैं उसके कोट को नहीं उतरवा सकी। तो सन बोलता है फिर, नाउ इट इज माई टर्न, अब मेरी बारी है, नाउ इट इज माई टर्न, अब मेरी बारी है, टर्न क्या होता है बेटे, बारी, अब मेरी बारी है, मेरी बारी है, लेट मी ट्राई, लेट होते हैं दो, लेट मीन्स दो, और मी मीन्स मुझे, और ट्राई कोशिश, अब मुझे कोशिश करने दो। ये बात किसने बोली, सन ने बोली। ही स्माइल्स, वो मुस्कुराता है, एंड और साइंस ब्राइटली, और चमकने लगता है, साइन क्या होता है बेटा, चमकना, ब्राइटली मतलब तेजी से है, ब्राइटली वो चमकने लगता है, सूरज चमकने लगता है, और सूरज चमकेगा तो क्या होगी, और ज्यादा गर्मी होगी। तो फिर क्या हुआ, वो जोर जोर से चमकने लगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अब आगे, यहाँ मैन, व्हाट ए फनी डे, कितना मजे का दिन है, फनी, फनी क्या होता है, मजेदार, मजेदार लिख लेंगे, मजेदार क्या होता है, मजेदार लिख लेंगे। कितना फनी दिन है, कितना मजेदार दिन है, समटाइम्स कई बार, इट इज सो कोल्ड, सो मैंने इतनी ठंड, इतनी ठंड हो जाती है कई बार, एंड समटाइम्स और कई बार, इट इज सो वार्म, इतनी गर्मी हो जाती है, कई बार इतनी ठंडी हो जाती है, और कई इतनी बार गर्म हो जाती है, सो मैंने क्या होता है, इतना, इतनी ज्यादा या इतनी, इतनी गर्मी हो जाती है कि कई बार इतनी ठंड हो जाती है, वो आदमी बोला, है ना, क्योंकि ये आदमी चल रहे हैं, फिर जोर जोर से क्या हुआ, हवा चलने लगी, हवा चली तो वो अपना कोट मजबूती से पकड़ दिया, अब सूरज ने जोर जोर से चमकना शुरू कर दिया, जैसे सूरज चमक रहा था जोर जोर से उसको गर्मी लगी, और वो आदमी बोला कि व्हाट ए फनी थिंग, ये कितनी मजेदार दिन, हाँ मजेदार, कितनी फनी है कि कई बार तो इतनी ठंड हो जाती है और कई बार इतनी गर्मी हो जाती है, है ना। सन, फिर सन बोलते हैं, स्माइलिंग, मुस्कुराने लगते हैं सन, है, सन मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए चमकने लगता है, स्माइलिंग एंड शाइनिंग ब्राइटर, और ज्यादा चमकने लग जाता है, शाइनिंग चमकने लगता है, ब्राइटर और ज्यादा तेज चमकीला चमकने लगता है, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू मेक हिम फील, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू मेक हिम, उसे बनाने के लिए फील, उसको महसूस करवाने के लिए, वार्मर गर्म, एंड वार्मर और ज़्यादा गर्म, भी मैं तो इसको गर्मी से और ज़्यादा गर्म महसूस करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, और इस तरीके से और चमकता रहा, वो आदमी अपने कपड़े उतारता रहा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी उसको लगने लगी, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मैन वाइपिंग हिज फेस, वाइपिंग होता है पोंछना, वाइप क्या होता है बेटे, पोंछना, बोर्ड को वाइप करते हैं, है ना, तो पोंछना, पैन ओ छ आ पोंछना, ठीक है, ये बिंदी लगा देंगे ऊपर, पोंछना, तो ये डिक्टेशन कर लेंगे आप ऐसे, ठीक है। तो मैन वाइपिंग हिज फेस, अपने चेहरे को पोंछते हुए, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, आई मस्ट, मुझे चाहिए, टेक ऑफ, टेक ऑफ क्या होता है बेटा, टेक ऑफ मैंने उतारना, टेक ऑफ क्या होता है, उतारना, मुझे अपना कोट उतारना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद सन, सन बोलते हैं, विंड हवा, आई हैव वॉन, मैं जीत गया हूँ, हवा कहती है कि मैं जीत गया हूँ, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज क्लोथ, मैंने बना दिया, आई हैव मेड बना दिया हिम, उसे टेक ऑफ हिज कोट, उसके कोट को मैंने उससे उतरवा दिया, ठीक है भाई, मैंने उसके कोट को उससे उतरवा दिया है।
तो ज्यादा गर्मी लगी, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट. आदमी बोलता है कि मुझे तो अपना कोट उतारना चाहिए. टेक ऑफ क्या होता है बेटा? उतारना चाहिए, उतारना, उतारना. और मस्ट मैंने चाहिए, चाहिए। मुझे अपना कोट उतारना चाहिए. चाहिए। आदमी बोला अपने चेहरे को, क्योंकि जितना भी सूरज गर्म हुआ तो हम अपने कपड़े उतार देते हैं ना, गर्मी में लगेंगे ही, कम कपड़े डालते हैं. तो उसने भी अपने कम कपड़े कर दिए जितने वो पहने हुए थे. तो फिर इसके बाद सन, सन की बारी. सन बोलता है, क्या बोलता है सन? विंड, हवा. आई हैव वॉन, मैं जीत गया हूँ. वॉन, वॉन मीनिंग जीतना, है ना, मैं जीत गया हूँ. विन, वॉन, वॉन. विन होता है फर्स्ट और वॉन सेकंड फॉर्म, और वॉन थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगते हैं? हैज और हैव. हैज, और सेकंड के साथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता कभी भी. और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगते हैं? एस या यस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना. तो विंड, आई हैव वॉन, हवा मैं जीत गया हूँ. आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उससे उसका कोट उतरवा दिया है. डियर फ्रेंड, दोस्तों, रिमेंबर, हमेशा याद रखो, दैट द स्ट्रोंगेस्ट थिंग, कि जितनी भी स्ट्रोंगेस्ट मजबूत चीज होगी, जितनी भी ताकतवर चीज है इस दुनिया में, इज ए स्माइल. वो हमारी क्या होती है? मुस्कुराहट. सबसे ताकतवर क्या होती है? मुस्कुराना. अगर आप मुस्कुराओगे ना, इससे ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं होती. तो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट क्या है इस दुनिया में? मुस्कुराहट. यू कैन मेक, तुम बना सकते हो पीपल, लोगों को. डू थिंग्स, काम करवा सकते हो. डू, तुम लोगों से काम करवा सकते हो. यू कैन मेक पीपल डू थिंग्स, डू मैंने करना थिंग्स, काम. लोगों से तुम चीजें करवा सकते हो, उनसे काम करवा सकते हो. कैसे? यू वांट देम टू डू, जो भी तुम उनसे काम चाहते हो वो काम उनसे करवा सकते हो. तुम कब करवा सकते हो? विद ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ. अब मुस्कुरा के किसी को बोलोगे ना तो वो काम हो जाएगा. अगर आप रो के बोल लें या फिर ऐसे ही बोले, फिर वो काम नहीं होने का, दूसरा आपसे चिढ़ जाएगा. तो विद ए स्माइल आप कोई भी काम करवा सकते हैं. विद ए फ्रान, नॉट विद ए फ्रान. फ्रान क्या होता है भाई? माथे पे बल पड़ गए, त्योड़ी चढ़ गई आपको ना. फ्रान, फ्रान क्या होता है भाई? माथे पे बल पड़ना. अगर आपके माथे पे बल पड़ गए ना, फिर आप वो काम नहीं करवा सकते किसी से भी. आया समझ में? फ्रान के साथ नहीं बल्कि स्माइल के साथ. खिंच के किसी से काम करवा लोगे आप? नहीं, वो काम मना कर देगा आपका. तो मैं से ये चीज ध्यान रखनी चाहिए. द विंड एंड द सन बिकम्स फ्रेंड्स अगेन. वो विंड और वो सन दोबारा से, बिकम मैंने बन गए फ्रेंड्स, दोस्त. अगेन दोबारा. अगेन क्या होता है? दोबारा. अगेन मीन्स दोबारा. तो ये डिक्टेशन आप लिख सकते हो, ठीक है? बिकम मैंने बन गया, बिकम मैंने बन जाना, ठीक है? तो हवा हुआ दोस्त बन गए. तो दिस इज द ऑल फॉर दिस चैप्टर. इट्स 11th चैप्टर बेटा ऑफ योर बुक. फॉर विच क्लास? सेकंड. सेकंड क्लास. ओके.